भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के सामाजिक संवाद का कार्यक्रम का आयोजन पार्टी के बेनीगंज स्थित कार्यालय पर किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का भव्य स्वागत किया, जिसके संबंध में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति, सामाजिक उत्थान और राजनीतिक भागीदारी के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्र में मोदी की सरकार और प्रदेश में योगी की सरकार इस वर्ग के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं, जिससे जीवन को और बेहतर बनाया जा सके। इस अवसर पर बांसगांव विधायक कमलेश पासवान, व्यापारी कल्याण बोर्ड के प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषार्थ सिंह, भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, नहीं भाई, अरे पता कौन किया है? चले जाके आगे दे। नहीं भाई, आगे मत आइए, आप लोग पीछे रहिए, आगे पीछे 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 रहिए, पीछे पीछे उधर पीछे 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 इधर 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 पीछे 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 साइड आइए, साइड पूरा साइड भाई, हम माने हैं आराम से एक एक सब मंडल कर लो, हल्ला रुक जाए विजय अरे बाबू मोर्चा दिया आज हम सभी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मिला, इस सामाजिक कार्यशाला के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत एक विशेष कार्यक्रम के निमित्त यहां पर आए और विषय है सामाजिक संवाद। हम इस बात से अच्छी तरह अवगत हैं कि भारत का संविधान बनाने का काम जिनको सौंपा गया था उनकी मेधा शक्ति के कारण तो उनको सौंपा ही गया था, लेकिन उसके पीछे एक मूल भावना यह भी थी कि इस भारतवर्ष में जो सामाजिक स्थिति का संतुलन है वो बेहतर संतुलन स्थापित हो सके। और इस बात की का हम गर्व करते हैं कि बाबा साहब के नेतृत्व में जो समिति थी जिसने संविधान का निरूपण किया, संविधान को बनाया, उसमें बेहतर तरीके से सामाजिक स्थितियों के उत्थान की बात लिखी गई।
और आजादी के बाद से अब तक किसी ने उस संविधान के अनुपालन में जितने बेहतर प्रयत्न होने चाहिए थे उतने बेहतर प्रयत्न नहीं हुए। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में जरूर इस प्रकार के प्रयत्न शुरू हुए थे और आप सब अवगत हो कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का, अब राष्ट्रीय पार्टी का मेरा संदर्भ यह है कि राष्ट्रीय पार्टी में भी जैसे कांग्रेस है, समाजवादी का भी राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्गत आया है, इन लोगों ने कभी अनुसूचित को अध्यक्ष नहीं बनाया था। बीजेपी जब बनी तो इन्होंने अपना जो अध्यक्ष बनाया श्री बंगारू लक्ष्मण जी को बनाया, अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति को, संघ विपरी गौतम जी को महासचिव बनाया, जाटो समाज के व्यक्ति को, और थावर सिंह गहलोत को राष्ट्रीय महासचिव बना के केंद्र का बड़ा शक्तिशाली मंत्रिमंडल उनको दिया है। उत्तर प्रदेश के अगर हम लोग चित्रण करने लगते हैं ना तो कोरी समाज से रहे रमापत शास्त्री जी आज 8 बार वो चुनाव जीत चुके हैं एक ही क्षेत्र से। कई लोग ऐसे, मैं उदाहरण अगर अलग अलग देने लगूंगा, गुलाब देवी जैसी साधारण एक साधारण कॉटन की साड़ी मुश्किल से हम समझते 600-700 रुपए की से भी कम की आती होगी, पहने हुए दुबली पत्ती समाज को समर्पित महिला भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कई कई बार अपने क्षेत्र जीत कर आई, आज माध्यमिक शिक्षा मंत्री के रूप में। आज कौशल किशोर रावत बिरादरी से आए थे, एक क्रांतिकारी चेतना को जागृत करने वाले समाज के संतुलन के लिए, आज केंद्र के मंत्री के रूप में उनको भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है। आपके सामने डॉक्टर विमलेश पासवान यहां पर मौजूद है। मैं तो पूज्य अवैधनाथ जी का स्मरण करता हूं, गोरक्षनाथ पीठ का, कि उन्होंने एक सामान्य सीट से इनके पिता श्री ओम प्रकाश पासवान जी को लड़ाया था और जीताया था। ये समाज का संतुलन क्या है, बीजेपी और जनसंघ का जो जन्म हुआ है, आप जानते हो कि दीनदयाल जी कहते थे भूल गए रासरंग भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही नून तेल लकड़ी। उनका एक सिद्धांत था कि भूल गए रासरंग, यानी हम जो संवाद है, जो सौंदर्य है, जो संस्कृति है, जो प्रकार की खुशियां हैं, उनके स्थान पर हमारी चिंता खाई की हो गई नून तेल लकड़ी, यानी हमारा सिद्धांत खाने तक का ही सीमित हो गया था। उसको एक उसका विस्तार होना चाहिए। और एक घटना का जिक्र करते हैं पंडित जी, बिल्कुल बात नहीं करो, थोड़ी देर बाद सब विस्तार कर देना। उन्होंने एक चीज को कहा कि कुएं में एक आदमी पड़ा हुआ गिर गया, चिल्ला रहा था मुझे बाहर निकालो। दीनदयाल जी जा रहे थे उधर से, उनके साथ में एक और व्यक्ति थे, उन्होंने ऊपर वाले व्यक्ति से कहा कि तुम थोड़ा नीचे झुको, और नीचे वाले व्यक्ति से कहा तुम थोड़ा ऊपर उठो। नीचे वाला ऊपर उठे, ऊपर वाला नीचे झुके, दोनों हाथ में हाथ मिले और दोनों ऊपर के प्लेटफॉर्म पे आ जाए, यानी बराबर खड़े हो जाए, तब स्थिति बचाव की होगी। कॉन्सेप्ट आप समझो कि नीचे जो पिछड़ा हुआ है, गरीब है, उसको ऊपर आने की जरूरत है, और ऊपर वाला जो व्यक्ति है उसको थोड़ा सा सहज भाव में, आपका उसको नम्र भाव में, नीचे वाले का जो पिछड़ा गरीब है उसको अपने साथ में लेकर अपने बराबर पे खड़ा करने की और उसको अधिकार देने की जरूरत है। ये सिद्धांत जनसंघ का जो आज बीजेपी है उसका रहा है। वोट सबने आजादी के बाद सबने वोट किसका लिया, अनुसूचित जाति का लिया। कभी दो बैलों की जोड़ी आ गई, कभी गाय और बछड़ा आ गया, कभी हाथ का पंजा आ गया, कभी साइकिल आ गई, कभी हलदर किसान आ गया, और कभी हाथी आ गया। अब ये सारे लोगों ने क्या, अभी मैं किसी अनुसूचित वर्ग के बच्चे के पास गया था, वो छात्रवृत्ति मिलने के वो सोशल मीडिया से बहुत बधाई दे रहा था कि आपने कम से कम पिछली सरकारों का जो दर्द था उसको समाप्त कर दिया योगी जी ने। तो मैंने कहा उसके सोशल मीडिया पे लिख रहा था, मैंने कहा उससे बात ही कर ले, हमने उससे बात करके काम क्या है। तो उसने कहा ना साइकिल ना हाथी ना हाथ, एक बार
बार फिर से योगी आदित्यनाथ। हमने उससे प्रश्न किया, उसने एक लाइन की कविता सुना दी। मैंने कहा तुम इतनी बड़ी अच्छी बात कैसे करने लगे? उसने कहा साहब आज प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है तो सबसे ज्यादा हमारे वर्ग को मिला है। हमने कहा वो किसने मिला जानते हो? मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। तो जो गरीब है, अति गरीब है, उनको लाभ मिले सरकार का। सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था की, इसमें कोई हिंदू और मुसलमान नहीं किया, अगड़ा और पिछड़ा नहीं किया, अनुसूचित और दूसरी जाति नहीं किया। लेकिन अनुसूचित जाति गरीब पहले से है, उसका उद्धार पहले से नहीं किया, इसलिए उसको ज्यादा मिला। और आज पारदर्शी तरीके से किया, सबसे ज्यादा मकान अनुसूचित वर्ग को मिला, सबसे ज्यादा शौचालय जो निर्माण हुए अनुसूचित जाति के उसमें हुए, सबसे ज्यादा जो गैस का कनेक्शन मिला है अनुसूचित वर्ग के लोगों को मिला है। क्यों? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। आज बीजेपी छोटी छोटी चीजों को, किसान सम्मान राशि मिल रही है और जो जुताई करते थे उनको भी मिल रहा है, जो जो पट्टे पर जो बटाई पर काम करते थे उनको भी मिल रही राशि। और एक आदमी आंकड़ा निकाल कर लोग चर्चा कर रहे थे, कहते बीजेपी वालों ने तो सारे अनुसूचित वर्ग को ही भर दिया इसमें। अब जो उसी गरीब का असंतुलन जिस बिरादरी में है, जाहिर सी बात है सरकार की योजना का लाभ सबसे ज्यादा उसे को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यक्रम में विभिन्न जगहों के अनुसूचित मोर्चे के अनुसूचित वर्ग के तमाम तेजस्वी विद्यार्थी, तमाम व्यवसायी, तमाम किसान, इस प्रकार के लोग आज आए थे। और मुझे खुशी है कि आज बीजेपी पार्टी में सबसे ज्यादा कोई जीत कर एमएलए आया है, वो बीजेपी का आया है। आज सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति का सांसद किसी पार्टी में है तो बीजेपी में है। आज सबसे ज्यादा मंत्री कहीं है पूरे देश में तो बीजेपी के है। आज एक बदले हुए परिस्थिति में पार्टी ने सबके साथ सबका विकास के आधार पर आज हम काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि ये जो हमारा गोरखपुर का क्षेत्र है, आज यहाँ पर जो हम लोगों ने युवा संगम किया है, युवाओं का अपार उत्साह भारतीय जनता पार्टी है। बगैर भेदभाव के जो नौकरियां 4.5 लाख के ऊपर नौकरियां दी गई हैं, 3 लाख 3.5 लाख के आसपास संविदा की नौकरी दी गई है, और जो 2 करोड़ के आधार पर रोजगार दिया गया है, उससे आज युवाओं में उत्साह का सृजन हुआ है। और यही कार्यक्रम के लिए हम यहाँ आए, चुने हुए जनप्रतिनिधि आए और हमें एक संदेश देना था कि हमको प्रसिद्ध योजना का किस प्रकार करना है। अभी ये कार्यक्रम चलता रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति को पता हो कि उसका दायित्व क्या है। ये जहाँ पर कम वहाँ पर हम, इस नारे के साथ युवा मोर्चा ने बागडोर संभाली है चुनाव प्रचार की। जाहिर बात है, इस समाज का विग्रह पैदा करने वाली शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार रहे और समाज में विभाजन नहीं होने दें, विपक्ष की साजिश को कामयाब नहीं होने दें। आज जिस प्रकार से दूसरे दलों के अनुसूचित वर्ग का नेतृत्व हमारे साथ आ रहा है, उसको आत्मसात करके गले लगाए और बड़ी तेजी के साथ पूरे देश का विकास हो, उसके लिए काम करें।